आपको नसीमुद्दीन, इमरान, आजम और मुख्तार वाला निजाम चाहिए क्या? नरेंद्र मोदी के तीन यार, ड्रामा, फसाद, अत्याचार। अब ये अमित शाह को बड़ी मोहब्बत हो गई उर्दू से। निजाम का मतलब शासन होता है। निजाम का मतलब क्या था, जरा उत्तर प्रदेश की जनता को सच सच बताइए। उनके निजाम का मतलब है एन से नसीमुद्दीन, आई से इमरान मसूद, जेड से आजम खान और एम से मुख्तार अंसारी। भाई आप मुझे बताओ, आपको नसीमुद्दीन, इमरान, आजम और मुख्तार वाला निजाम चाहिए क्या, या योगी जी और मोदी जी वाला विकास वाला चाहिए? कौन सा चाहिए? जोर से बोले, कौन सा चाहिए? तो अमित शाह बोलेंगे निजाम। एन से नसीमुद्दीन कह दिया, आई से इमरान कह दिया, जेडे से आजम खान कह दिया और एम से बहरहाल कुछ कहा, हाँ हाँ उनका नाम कह दिया। अब ये अमित शाह को बड़ी मोहब्बत हो गई उर्दू से। उर्दू से बड़ी मोहब्बत हो गई अमित शाह आपको, आपका निजाम। अरे हम तो ये तय कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के हाकी में वक्त को बदलेंगे इंशाअल्लाह ताला। और नरेंद्र मोदी, हम आपसे कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के तीन यार हैं, हमारे साथ बोलिए। एक ड्रामा, दूसरा फसाद, तीसरा अत्याचार। नरेंद्र मोदी के तीन यार, ड्रामा, फसाद, अत्याचार। अब अमित शाह का जवाब देना है, हम किसी का कर्जा बाकी नहीं रखते। अब नसीमुद्दीन का नाम लिए, कांग्रेस पार्टी तो नहीं बोलेगी, बोलेंगे नसीम का नाम लेंगे तो हमारे वोट नहीं मिलेंगे। कांग्रेस इमरान का नाम नहीं लेगी, बोलेंगे हमारा क्या होगा। समाजवादी आजम का नाम नहीं लेगी, मगर हम योगी और अमित शाह से कहना चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अगर योगी राज है, योगी राज है ना, तो राज अंग्रेजी में आता है आर ए जे, होता है ना आर ए जे, तो आर से क्या आता है, रिश्वत। ए से क्या आता है, अपराध या फिर आतंक। और जे से क्या आता है, जातिवाद। अमित शाह आपका कर्जा अदा हो गया। अब बताओ, आप दूसरा बोलो, फिर इसका जवाब मिलेगा।